हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस आज के वीडियो में हम 180 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सेक्शन के जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के ही क्वेश्चंस uh, रहने वाले हैं तीन पेपर्स आपके लिए मैं लेकर आई हूं जून ट्वेंटी थ्री 23 ट्वेंटी एंड जून 24 फोर एच टेट मेडिकल के ठीक है Uh, सभी पेपर्स के सिक्सटी सिक्सटी क्वेश्चन यानी कि टोटल वन एटी क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के तो पहला क्वेश्चन है हमारा नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लार आर जो फ्लावर होता है उसके नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से होंगे एंड्रोशियम गाइनोशियम सेप्पल कार्पल सेप्पल पेटल या फिर सेप्पल्स एंड गाइनोशियम तो नॉन एसेंशियल या फिर जो असेसरी पार्ट्स uh, होते हैं प्लांट के फ्लावर के वो होते हैं सेप्पल्स एंड पेटल्स ऑप्शन सी जियोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन जो जियोकार्पिक फ्रूट्स uh, होते हैं वो किन में पाए जाएंगे अनियन कैरेट ग्राउंड नट वाटरमेलन इट इज ग्राउंड नट ठीक है यानी कि मूंगफली में ट्रांसपरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ पैरनकाइमा सेल्स गार्ड सेल्स एपिथीलियल सेल्स नन ऑफ द अब तो ट्रांसपीरेशन रेगुलेट होती है बाय द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स ठीक है एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडबल स्टेम स्टेम अंडरग्राउंड एडेबल स्टेम किसकी होती है पोटैटो ग्राउंड स्वीट पोटैटो या फिर कैरेट तो जो स्टेम होती है उसमें होता है नोड्स और इंटरनोड्स ठीक है जो पोटैटो होती है वो है हमारी अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो को हम रूट नहीं कह कहेंगे पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम होती है क्योंकि उसमें रूट्स और नोड्स uh, और इंटरनोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटीरियल इन हायर प्लांट्स अकर थ्रू फ्लार्स कंपेनिट्स दैट प्लांट नीड असेंशियल मिनरल वर वॉज प्रपोज बाय अरिस्टोटल बर्नर्ड सिम्पसन आर नोन एंड स्टाउट वन हायर ठीक है कि प्लांट्स को भी खनिजों या फिर मिनरल्स की जरूरत होती है ये आइडिया किसने दिया अर्नोन उट नहीं सिक्सटी सेवन स्टेम डेवलप्स फ्रॉम जो स्टेम है वो किसमें से डेवलप होगी रेडिकल कॉटलीडन मीजोकार्प या फिर प्लीम्यूल तो स्टेम डेवलप होती है प्लीम्यूल से और रेडिकल से तो रूट डेवलप होती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स विच शोज कैसपेरियन स्टेप्स इन इट्स सेल इज कॉल्ड एपीडर्मिस एंडोडरमिस पेरीसाइकल या फिर डी एक्जोडर्मिस तो इट इज एंडोडर्मिस जहां पर एक्सपीरियंस टिप्स देखने को मिलती है द एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल कैलविन साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है आर यू वी पी पी जी एल पी जी ए ग्लूकोज इट इज ग्लूकोज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज गिवन बाय लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था ब्लैक मैन ने क्रैंस एनाटमी इज़ फीचर ऑफ जो क्रांस एनाटमी है वो किन प्लांट्स में देखने को मिलती है सी फोर प्लांट्स में इन पाम द पोलन इज जनरली रिलीज एट पाम्स में जो फ्लॉरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन्स जो पोल्स हैं वो किस स्टेज पर रिलीज होते हैं वन सेल टू सेल थ्री सेल या फिर मेल डैमेड फॉर्मेशन यहाँ पर पूछा कि जनरली या विच मीन्स की मोस्टली तो मोस्टली जो पोल ग्रेन्स रिलीज होंगे वो टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं ऐसे थ्री में भी होते हैं बट मोस्टली सिक्सटी परसेंट जो एंजिस होते हैं उनमें टू सेल्ड स्टेज में पॉलन रिलीज होते हैं और वो दो सेल्स होते हैं वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल सेवेंटी थ्री विच ऑर द फ्लोइंग फ्रूट प्रोड्यूस्ड बाय पार्थीनो कार्पी ब्रिंजल एप्पल बनाना जैक फ्रूट इट इज बनाना द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज साइटोक्रोम एफ डी एच एन ए डी एच यफ डी ऑक्सीजन इट इज ऑक्सीजन सेवेंटी फाइव द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर द स्टेमन आर कलेक्टिवली नोन एज जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का जो स्टेमन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है

पीट सॉइल लॉम सॉइल क्ले सॉइल नन ऑफ द तो इट इज़ क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी जिसको कहा जाता है सेवनटी एट लाइकन्स आर गुड बायो इंडिकेटर्स फोर देखो पीछे भी क्वेश्चन था जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी लाइकन से क्वेश्चन आया है तो ये आपको पढ़ के जाना लाइकन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइकन्स किसके अच्छे बायो इंडिकेटर हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के सॉयल पोल्यूशन वाटर एंड एयर नन ऑफ द वो तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जिसमें एयर पॉल्यूशन भी आ जाता है तो उसके अच्छे इंडिकेटर हैं सेवेंटी नाइन ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट्स फंगी या फिर डी ब्रायफाइट ठीक है तो ये बिलोंग करते हैं मोनेरा को यानी कि प्रोकैरियोट्स एटी विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंगी फंगी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है दे आर यू कैरियोटिक हैटीरोस प्योरलीलवाल फॉल्स प्योरलीज प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ जो प्लांट्स हैं वो अपने जीवन पर वृद्धि करते रहते हैं किस वजह से मेरिस्टेम की वजह से वेस्क्युलर कैम्बियम की वजह से जायलम फ्लोइम या फिर ट्रैकिर्स की वजह से इट इज बिकॉज ऑफ मेरिस्टम जो एपिकल जो पोर्शन होते हैं वहाँ पर होते हैं रूट एपिक्स और शूट एपिक्स पर मेरिस्टम होता है विच अमंग द इज अ गैसियस प्लांट हॉर्मोन इथाइलिन जिब्रलिन इंडोल एसिटिक एसिड या फिर एपसिसिक एसिड तो इट इज इथाइलिन इथाइलिन है गैसियस हॉर्मोन एटी थ्री प्रोटोनीमा स्टेज फाउंड इन ग्रीन एल्गी लिवर वर्ड्स फर्नस या फिर डी मोसिस इट इज मोसिस मोसिस में पाई जाती है प्रोटोनिमा स्टेज एग्जाम्पल ऑफ मेरीन एनजस्फर्म अमंगज द फ्लोइंग इनमें से कौन सा मेरीन एनजाम है हाइड्रेला जोस्टेरा वेलस्नेरिया सीरेटोफाइलस इट इज जोस्टेरा मेरीन एनजाम सोर्स ऑफ मैक्म एनर्जी इन सेल इज प्रोटीन वाइटामस फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है तो मैक्मम एनर्जी का सोर्स होते हैं फैट्स हमारे अमंग द फॉलोइंग दर्गन वियर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कहाँ पर होगी पेनक्रियाज में रेक्टम में लिवर में स्मॉल एंटेस्टाइन तो स्मॉल एंटेस्टाइन में प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती हैं नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरो थेलमिया अकर्स डे डेफिशेंसी ऑफ विच वाइटामिन जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, है. रतौंधी जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो किस वाइटामिन की डेफिशियंसी के कारण होगी वाइटामिन बी के बी टू या फिर डी वाइटामिन ए इट इज वाइटामिन ए। एटी एट ह्यूमन हैव हाउ मैनी लोब्स इन लेफ्ट लंग लेफ्ट लंग में कितनी लोब्स होती हैं ह्यूमन बींग्स में टू लोब्स एटी नाइन द नॉर्मल डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल हेल्थी अडल्ट मैन डायस्टॉलिक पूछा गया है एक डायस्टॉलिक होता है सिस्टॉलिक ठीक है systolic, तो डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है एटी एम एम एच ई और वन ट्वेंटी होता है सिस्टॉलिक नाइन्टी विच प्रोड्यूस इज यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्टिंग ह्यूमन बॉडी किडनी लीवर यूनरी ब्लड और डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज लीवर इंटी वन इज द मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मसल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन सी है इनमें से ग्लोबिलिन इलास्टिन मियोसिन नियोसिन प्रोटीन नाइन्टी टू विच हॉर्मोन प्लेज अटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ ठीक है ऑक्जीटॉसिन मेलाटॉनिन एड्रीन एलिन ऑल ऑफ द सॉरी नन ऑफ दब इट इज़ ऑक्जीटोसिन और ऑक्जीटोसिन को बर्थ हॉर्मोन भी कहा जाता है इसी वजह से नाइंटी थ्री एंटीवीनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंस एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लैक्स एंटीबॉडीज या फिर डी एनजाइम्स इट इज एंटीबॉडीज ठीक है जो एंटीविनम होता है स्नक पॉइजन के अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं कोकिन इज ऑप्टेन फ्रॉम कोकिन एक ड्रग है वो आ uh, किस प्लांट से ऑप्टेन की जाती है राइट आंसर इज रिथ्रोजाइलम कोका ऑप्शन ए विंटर स्लीप इज ऑल्सो नोन एज जो विंटर स्लीप होती है उसको क्या कहेंगे हम हाइबरनेशन सस्पेंशन माइग्रेशन एस्टिवेशन तो विंटर स्लीप होती है हाइबरनेशन और समर स्लीप होती है एक होती है विंटर स्लीप एक होती है समर स्लीप ठीक है समर स्लीप को कहते हैं हम एस्टिवेशन ठीक है आपको यह से याद रखना है एस एस मतलब स तो समर ठीक है और हाइबरनेशन दूसरा वाला जो हो गया तो वो विंटर स्लीप हो गया ओके द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर लेवल इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही बार पूछा गया है कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र कितना होता है ये होता है टेन परसेंट 97 exchange of genetic material takes place uh, in budding or uh, sexual reproduction. Sexual reproduction of e, all of the verb. Right answer is option C, that is sexual reproduction. Okay. Which of the following is a vestigial organ? In Mr. Consi, vestigial organ? Hai? Intestinal villi papillae vermiform appendix. Non, none of the verb. It is vermiform appendix. नाइन्टी नाइन गोवर गैस प्लांट यूज विच बैक्टीरिया मिथेनोजेनिक साइनोजेनिक ओंकोजेनिक फायोजेनिक इट इज मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया हंड्रेड विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वीवी पैरिस इनमें से कौन सा वीबी पैरिस नहीं है यानी कि वो यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ नहीं देता है एक्डना ह्यूम माइज कैट्स इट इज एक्डना बाकी सारे रूपी पैरिस हैं द गैप बिटवीन टू न्यूरोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी शायद पीछे वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था दो न्यूरोस के बीच में गैप को कहा जाता है साइनेप्स वन हंडर टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल ये भी हमने पिछली वीडियो में भी देखा है तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन की साइट होती है ह्यूमन फीमेल में ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाय नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी चार्ल्स डार्विन ने दी द यूवी रेडिएशन फ्राम सन इज लाइकली टू कोज विच टाइप ऑफ कैंसर इन ह्यूमन्स यूवी रेडिएशन सन से आती हैं तो कौन सा जो कैंसर uh, है वो हो सकता है स्किन कैंसर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है पाँच जून को अमृता बिश्नोई लोस्ट हर लाइफ वाइल सीविंग फोरेस्ट हैविंग Which kind of trees? Teak, Khejri, Bamboo, Shisham, these are Khejri uh, trees. Homologous organs are organs that have homologous organs. organs? Same function, different structure. Okay. Same function with same structure, different function with same structure, same function but different uh, structure. Right answer is. काम अलग होगा बट स्ट्रक्चर इनका सेम ही होगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स ठीक है क्या काम है आपका एग्जाम्पल्स बताने हैं आपको होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के वन जीरो एट सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासिस थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय ठीक है जो सिंगल सर्कुलेशन है वो इनमें से किसमें पाई जाती है राइट आंसर इज हिपो कैंपस एग्जोसिटस और अनावास में वन जीरो नाइन सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडी के सेगमेंट सबसे पहले किस फाइलम में देखने को मिले प्लेटी हेलमेंथिस एस्क हेलमेंथिस एनालीडा आर्थ्रोपोडा इट इज एनलीडा सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन हैं हरबी वैल ऑर्गन हैबिट्स ऑन जेनेटिक मटीरियल मटीरियल पिछले पेपर में भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला था जिन ऑर्गन या फिर जिन ऑर्गनेल को हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं वो कौन है तो इनमें से वो है हमारा माइटोकोन्ड्री और दूसरा प्लास्टिड्स होते हैं पी एच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ क्लोज टू ह्यूमन ब्लड की पी एच वैल्यू लगभग कितनी होती है सेवन पॉइंट फोर हाउ मैनी क्रोमोजोम पेयर्स आर देर इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स ठीक है ह्यूमन सोमैटिक सेल्स में कितने पेयर होते हैं क्रोमोजोम के ट्वेंटी थ्री पेयर्स वट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स con क्या हैं प्रोटीन्स और लिपो लिपिड्स लिपो प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल इज हर मेफ्रो डाइट कौन सा एनिमल इनमें से हर डाइट है इट इज अर्थवॉर्म नेम द ग्लैंड विच सिक्रीट एमरजेंसी हार्मोन एमरजेंसी हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है थायरॉयड पिटरी पेनक्रियाज एड्रीनल इट इज एड्रीनल ठीक है एपीनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन विच कैश डिक्रीज इज़ द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा भी गया है बाइंडिंग एबिलिटी ऑक्सीजन की कौन सी कैश डिक्रीज़ करती है ब्लड में इट इज़ कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड में हाई uh, एफिनिटी होती है टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपने प्रीवियस पेपर में भी देखा होगा लैक्टिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग कोजिज काला आजार काला आजार डिजीज है वो किसके कारण होती है लेशमेनिया ठीक है लेशमीनिया की स्पीसी हैं जैसे लेशमेनिया डोनो वर्नी है और और भी हैं वन ट्वेंटी पोस्टर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई विच पार्ट ऑफ ब्रेन इट इज सेरिबेलम बी ऑप्शन बी ओके ये पेपर हो गया सिक्सटी क्वेश्चन अब नेक्स्ट पेपर के सिक्सटी क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन सिक्सटी वन इज फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन फोटोसिंथेसिस किस लाइट में सबसे ज्यादा होगी ब्लू रेड ग्रीन ग्रीन लाइट या फिर नन ऑफ दीज इट इज रेड लाइट लाल प्रकाश में टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर आर कॉल्ड एज ठीक है पत्तियों पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियों के अंदर एंटर करेगी उन्हें क्या कहते हैं हाइड्राथॉर्ड्स स्टोमेटा दोनों एंड बी नन ऑफ दीज तो इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा यानी कि रंध्र लाइफ स्पैन ऑफ बनिन ट्री बरगद के पौधे का जीवन काल कितना होता है सभी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो डिफ़र करता है तो बनिन ट्री का यहाँ पर पूछा गया है इट इज़ टू हंड्रेड ईयर्स ओके सिक्सटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रो कैरियोर्स में इनमें से क्या पाया जाता है न्यूक्लियस सेवनट ईयर्स राइबोजोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ए टी एस राइबोजोम ओके तो प्रो uh, कैरियोर्स में पाए जाते हैं सेवनटी ईयर्स राइबोजोम जबकि यू कैरियोर्स में ए टी एस राइबोजोम होते हैं मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रो कैरियोर्स प्रो कैरियोर्स में सबसे कॉमन मैथड uh, क्या है रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिजन ऑटोगेमी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या फिर डी ऑल ऑफ थीज इट इज बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ़ बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है सेलोज एंड लिपिड्स काइटिन लिपिड्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स सिक्सटी सेवन रूट नोड्यूल्स अक्र इन प्लांट्स ऑफ फैमिली रूट नोडूल्स किस uh, किस फैमिली में होते हैं किस प्लांट की किस फैमिली में होते हैं फेबेसी लिलियेसी मालवेसी लेग्योमिनेसी इट इज़ लेग्योमेसी और लेग्योमिनेसी को फेबेसी भी कहते हैं तो इस क्वेश्चन का आपका uh, जो ग्रेस मार्क है वो मिला होगा हिरोइन रग इज़ ऑप्टेन्ड फ्राम द प्लान्ट फैमिली पेपरवरेसी ऑप्शन बी सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली टेक्स प्लेस इन जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किन में देखने को मिलती है हमें राइट आंसर इज डाइकोट्स और जिमनोसपॉम्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है सेवेंटी विच आर द फलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा को ओपनिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है थोड़ी सी पी डी एफ क्लियर नहीं है बट अगर मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ नोट कर लेना इन्हें ठीक है इट इज़ टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स ठीक है हाइड्रोथ ओपन ड्यूरिंग जो हाइडोथॉड होते हैं वो कब ओपन होते हैं तो दे ऑलवेज ओपन बंद नहीं होते हैं विच आर द फ्लोइंगज सी फोर प्लांट सी फोर प्लांट कौन सा है सी थ्री और सी फोर प्लांट से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें भी क्वेश्चन था ठीक है इट इज शुगर केन यानी कि गन्ना थ्रू विच आर द फ्लोइंग एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस जायलम कैम्बियम पेरिसाइकल फ्लोयम इट इज जयलम वन सेल इज फुली टर्ज देन इट्स जब सेल जो है वो फुली टर्जड होगी तो उसका डी पी डी ज़ीरो होगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशेंट इज इक्ल टू जीरो इफ़ अ सेल लैक सेल वॉल इट विल वर्स्ट अगर सेल में सेल वॉल नहीं है और ये बर्स्ट करेगी कब बर्स्ट करेगी जब हम उसको किस तरह के सोल्यूशन में डालेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेवेंटी बेसल सेल ऑफ यूरोज एंड थ्री डीएम मेरेस्टमैटिक सेल्ट होल्ड फास्ट यू उगोनियम इट इज़ होल्ड फास्ट विच ऑफ ऑफ द फलोइंग इज अ कॉमन फंगल डिजीज इनमें से कौन सी कॉमन फंगल डिजीज है रिंग वाम सेवेंटी एट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे इनमें से किन में जो स्टोमेटा हैं वो रात को ओपन होंगे और दिन में बंद हो जाएंगे सकुलेंट्स में होता है ऐसा सेवेंटी नाइन हाइड्रोपोनिक्स इज़ अ मैथड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स से भी क्वेश्चन बार पूछा गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन वाटर सोल्यूशन इंसेक्टिव वॉरस प्लान्ट आर जो इंसेक्टिव वॉरस प्लांट्स होते हैं क्या वो ओडोट्रॉफिक होते हैं टीडोट्रॉफिक होंगे दोनों एंड बी या फिर ओडोट्रॉप्स बट ट्रैप्स इंसेक्ट दीज आर ओडोट्रॉप्स बट ट्रैप्स इंसेक्ट्स रेस्पिरेटरी कॉशंट ऑफ प्रोटीन इज जीरो पॉइंट नाइन विच आर द फ्लोइंग एक्ट टेज डिफेंसिंग ऑर्गन इन सम प्रोटोजोन्स प्रोटोजोन्स में डिफेंसिंग ऑर्गन का काम कौन सी ऑर्गन करेगी ट्राइकोसिस्ट द एम्ब्रियो एट सिक्सटीन सेल स्टेज इज कॉल्ड सिक्सटीन सेल स्टेज में एम्ब्रियो को कहा जाता है मोरूला क्योंकि ये मलबरी को रिजेंबल करता है टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट को कहा जाता है हाईसेंथ वाटर हाईसेंथ नीला कुरेंजी ननोक्टोब इट इज वाटर हाईसेंथ विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ साइकिल कल हमने जो पेपर डिस्कस किया था उसमें भी क्वेश्चन था ठीक है इट इज बैम्बो बांस का पौधा था बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन देखो अभी ही क्वेश्चन रिपीट हो गया इंडिकेटर बायो इंडिकेटर क्या है और पोल्यूशन का लाइकन एटी सिक्स का लाइकन मालफ्यूजन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मालफ्यूजन टिब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं कॉकरोच के ठीक है एनिमल विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आर जनली जो अमोनिया लार्ज अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं दीज आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो जल में रहेंगे विच ऑन द फ्लोइंग गेट्स इक्यूमिलेटेड इन आर लेग्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड रिजल्ट इन क्रैम्स प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन था लेक्ट्रिक एसिड तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं है ना मार्क द ओड वन इन द गिवन सीरीज इनमें से ओड कौन सा है टैक्सन फैमिली क्लास फाइलम तो टैक्सन इनमें से ओड है विच ऑफ़ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है सी ओ टू सी एच फोर सी एफ सी फ्लोरफ्लोर कार्बन यानी कि ऑक्सीजन इट इज ऑक्सीजन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ हाइस्ट बायोडावर्सिटी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है ब्राज़ील मेंस पार्ट इन एक््रोजोम सेंसिस साइटोप्लाज ममाइटोकॉन्ड्रिया तो गोलचीपॉडी या फिर डी लाइजोजोम इट इज गोल्चीपॉडी राइबोसोम इज सेंटर ऑफ बिच प्रोसेस फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्परेशन ऑल ऑफ द बब तो राइबोजोम इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लाइजोजोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि उनमें कौन से तरह का एंजाइम होता है रेस्पिरेटरी हाइड्रोलिटिक सिंथेसाइजिंग जॉइनिंग इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट कैन बी रेड ऑरेंज यलो ऑल ऑफ द वब कोई भी कलर हो सकता है क्रोमोप्लास्ट का कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल किसी भी सेल का कंट्रोलिंग सेंटर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस होता है कंट्रोलिंग सेंटर प्लास्टिड्स डेवलप फ्रॉम प्लास्टिड किन में से बनेंगे सेल वॉल से प्रो से माइटोकॉन्ड्रिया uh, से या फिर नन ऑफ दीज हैं प्रो से 99 नाइन डबल हेलिकल मॉडल एज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वॉज गिवन बाय डीएनए का डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था हंड्रेड विच ऑफ द फ्लोइंग नोट कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन प्रोटीन की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है पेप्टाइड पैप्टॉन अमाइनो एसिड सुक्रोज इट इज अमाइनो एसिड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल साइकिल रिपीटेड क्वेश्चन है सेल साइकिल में जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है जीवन एस जी टू एंड एम फीस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हैटीरोसिस्ट आर स्पेशलाइज्ड सेल इन ब्लू ग्रीन एलगी नोस्टोक आर कंसर्नड विद ये किस में हेल्प करते हैं जो हेटेरोसिस्ट होते हैं राइट आंसर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन में अ अब दैट इंड्यूज इज सी डरमेंसी सी डोरमेंसी कौन सा जो हॉर्मोन है वो इंड्यूस करता है एप्सिस एसिड ए बी ए विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बायलिनि जय प्रकाश उत्सर्जन जो गुण है वो किस फाइलम में है तीनों फोरा एक सौ छः विच ऑफ द हैज हाइस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किन में होता है हेलोफाइट्स में सिग्मोइड कोलोन इज पार्ट ऑफ सिग्मोइड कोलोन किसका पार्ट है लार्ज इंडस्टाइन का विच ऑर्गेने ऑर्गेनाले कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अभी पीछे भी क्वेश्चन था ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस ऑर्गेनाले में होंगे लाइजोजोम में विथ विच इज द मेन साइट ऑफ लिपिड सिंथिसिस इन द सेल लिपिड सिंथिसिस की जो मेन साइट है वो क्या है राइबोजोम क्लोरोप्लास्ट एस सी आर विच मीन स्मूद एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम या फिर रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम इट इज स्मूद एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम एनर्जी रिलीज बाई ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज इन एराबिक रेस्पिरीशन इज टू एट सेवन जीरो किलोजूल इन विच आर द फलोइंग एनिमल रेस्पिरीशन अकर विदाउट रेस्पायरेटरी ऑर्गन किस एनिमल में रेस्पिरेशन होगी बिना किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कॉकरोच फिश फ्रॉग, अर्थवम तो में अर्थवॉम में जो रेस्पिरेशन होती है स्किन से होती है आ, और इस रेस्पिरेशन को हम एक रेस्पिरेशन कहते हैं ओपनिंग ऑफ हिपैटो पेनक्रियाटिक इनटू डुडोनम इज गार्डेड बाय राइट आंसर इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डाई मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट विंड बैट स्नेल तो मेलेकोफिली होती है पॉलिनेशन बाय स्नेल्स फंक्शन ऑफ टैपेटम टेपेटम का क्या काम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिटिव रेस्पिरेटरी ऑल ऑफ द वर्ब इट इज न्यूट्रिटिव फंक्शन डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन से किस तरह का न्यूक्लियस बनेगा हेप्लॉइड न्यूक्लियस वन हंड्रेड सिक्सटीन फैट्स आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन फैट्स कहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट होते हैं स्टमक माउथ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पेरन कायमा जायलम कॉलेन कायमा नन ऑफ दीज इट इजलम शुगर प्रेजेंट इन डी एन ए सी फाइव एच टेन ओ फोर ऑप्शन सी वन नाइनटी इन सपोर्टिंग रूट्स दैट अरइज़ फ्राम लोअर नोड्स ऑफ मेज अगर आपने मक्की का पौधा देखा होगा तो जो सबसे नीचे वाली नोड होती है उनमें से कुछ रूट्स अराइज होती हैं उन रूट्स को क्या कहा जाता है प्रॉप रूट न्यूमेटोफोर्स स्टिल्ट या फिर नन ऑफ दीज तो इन रूट्स को कहा जाता है स्टिल्ट रूट्स ठीक है और अगर आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो उसमें भी पिलर्स की तरह रूट्स अराइज होती हैं उन रूट्स को कहा जाता है प्रॉप रूट्स ठीक है 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 किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुई को ठीक ऑप्शन सी अब नेक्स्ट पेपर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक रिपीटेड क्वेश्चन अगेन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक को uh,

ये भी क्वेश्चन आता है कि जो भोपाल गैस ट्रेटिडी थी तो वहाँ पर कौन सी जो गैस थी वो लीक हुई थी जो थी मिथाइल आइसोसाइनेट अब और ये भी पूछा था कि कौन से ईयर में थी हुई थी ठीक है तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो किस गैस के साथ रिएक्ट की तो उसने रिएक्ट किया था वाटर के साथ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इसमें मैच है मैच इन कॉलम वन एंड कॉलम टू ठीक है फिर आपको करेक्ट ऑप्शन uh, जो है वो यहाँ पर टिक करना है ठीक है ओके okay, तो ए यू वी स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है यू वी से ए का थर्ड ठीक है बायोडिग्रेडेबल इनमें से बायोडिग्रेडेबल बी ओ डी ओके डी डी टी बायो मैग्नीफिकेशन फोस्फेट से यूट्राफिकेशन राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अगर आप मैच करके देख लें तो एनीमोफिलीज पॉलिनेशन बाय अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है एनीमोफिली पॉलिनीशन बाय विंड ओके 66 अगेन okay. आपको मैच uh, है मैच द कॉलम पनडाइजेस्टिड फूड ठीक है तो राइट right आंसर हो गया आपका डी विच किंगडम इंक्लूड यूनिसेलर यू कैरियाटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर यू कैरियाटिक ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में पाए जाएंगे प्रोटिस्टा में विच ऑफ़ द फ्लोइंग डिजीज इज नॉट कोज बाय बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है काला आजार नेक्स्ट क्वेश्चन मेटाबॉलिक पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ब्लॉक्ड बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इट इज बैक्टीरिया विच ऑफ दमंग द फॉलोइंग इज अ गैशियस प्लांट हार्मोन अभी पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा गैशियस प्लांट हार्मोन कौन सा है इथाइलिन वट आर मेल एंड फीमेल क्रोमोज़ोम इन बर्ड्स जैसे ह्यूमन uh, बींग्स में एक्स 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 बाय होते हैं मेल एंड फीमेल क्रोमोजोम उसी तरह बर्ड्स में कौन से क्रोमोज़ोम होंगे जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड सी टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रोस होगा स्मॉल टी स्मॉल टी से ये किस तरह का क्रोस है इट इज़ टेस्ट क्रोस टी सी ए साइकिल इज नेम्ब आफ्टर जो टी सी ए साइकिल है ट्राई कार्बोक्सलिक एसिड साइकिल उसका नाम किसके नाम पर रखा गया एम्बडन हैंडस्क्रैब मैलबिन कैलविन एमर्सन एमरसन हैंडस्क्रैप ठीक है क्रैप साइकिल भी कहा जाता है टी सी ए साइकिल को प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन जो प्रोटीन डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होती है बकल कैविटीसो फेगस स्टमक फेरेंस स्टमक से शुरू होगी विच आर द फ्लोइंग बट वाइटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लीवर ह्यूमन लीवर में यानी कि यकृत में कौन सी वाइटामिन है वो बनती है वाइटामिन ए डी सी नन ऑफ दाइटामिन एटी ओन मैच्योरिंग ओवरी चेंजेस इन टू सीड गाइनोशियम एंड रोशियम फ्रूट इट इज फ्रूट ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज होगी स्टारफिश सी की कम्बर सी अर्चिन एंड फेदर स्टार ये सारे किस फाइलम के अंडर आते हैं मोलस्का नेमाटोडा आर्थ्रोपोडा एकटा इट इज एकाइनोडामेटा आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प इन लेग्स ड्यू डिपोजिशन ऑफ अभी देखा आपने रिपीटेड क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है ये ठीक है एक्सरसाइज के बाद जो हमारी लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं वो किस वजह से आएंगे लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से पर्सन हैविंग जीनोटाइप आई आई बी वुड शो द ब्लड ग्रुप्स ए बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ़ द फेनोमैनन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कल की वीडियो में हमने इस तरह का क्वेश्चन देखा था बिकॉज ऑफ को डोमिनेस नेक्स्ट वन विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोस विच डिजीज जो विडाल टेस्ट है वो किस डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है टाइफॉइड को ठीक है और टाइफॉइड होता है सेलमोनेला टाइफी बैक्टीरिया से एटी फाइव एंडोप्लाजमिक रेटिक्यूलम वर्कस फॉर द सेंथिस ऑफ ए टी पी प्रोटीन माइट्रोकोन्ड्रिया गोल्जी फॉर प्रोटीन कोर मेटल इन क्लोरोफिल इज क्लोरोफिल का कोर मेटल क्या है आयरन कॉपर निकिल मैग्नीशियम राइट आंसर इज मैग्नीशियम वेच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाल डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनाल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है राइबोसोम न्यूक्लियस क्लोरप्लास्ट माइटोकोन्ज्रिया इन तीनों में तो होगी बट राइबोजोम में नहीं होगी इट इज ए प्रोसेस बाय विच टैडपोल लारवा चेंजेस इनटू एडल्ट जो टैडपोल है टैडपोल uh, किसका लारवा है फ्रोक का ठीक है तो टैडपोल से एडल्ट बनेगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन मेटामार्फोसिस इम्प्लान इसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस ग्रीन मफलर इज यूज अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पल्यूशन सॉयल वाटर एयर नॉइस एयर सॉरी नॉइज पोलूशन विच ऑफ़ द फ्लोइंग इज नोट वाटर बोर्न डिजीज कौन सी बीमारी है जो पानी से नहीं फैलेगी हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस कॉलेरा टाइफॉइड ठीक है इट इज हैपेटाइटिस बी और निथिन साइकिल इज कंसर्न विथ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फॉर्मेशन ऑफ ब्लड नन ऑफ द अबब इट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया और इसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होगा साइटोप्लाज्मे क्लोरोप्लास्ट माइटोकोड्री मैट्रिक्स माइटोकोड्री इनर मेम्रेन इट इज साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रोग रिस्पायर थ्रू हाइबरनेशन और एस्टिवेशन हमने पीछे देखा एस्टिवेशन इज समर स्लीप एंड हाइवरनेशन इज विंटर स्लीप विंटर स्लीप के टाइम पर जो फ्रोक हैं वो कैसे रिस्पायर करेंगे थ्रू गिल्स लंग्स इंटेग्यूमेंट्स या फिर टिमपैनम ठीक है इट इज स्किन के थ्रू एपरेटस द ब्लड प्रेशर बीपी को मेजर करने के लिए किस एपरेटस का यूज होता है स्फिगमोमेनोमीटर विच हॉर्मोन इज सिक्रिएटेड इन विमेन इफ प्रेगनेंसी अकर्स एस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर एच सी जी इट इज एच सी जी ह्यूमन कार्टिकोगोनाइड्रोफिन हार्मोन विच ऑफ़ द फ्लोइंग इज प्रोटीन इन नेचर इनमें से कौन सा नेचर में प्रोटीन है सेल्यूलोज टेरिलीन पॉलीथीन सिल्क एंड वूल इट इज सिल्क एंड वूल स्टेप्टोमाइसिन इज स्टेप्टोमाइसिन क्या है एंटीबायोटिक है एंटीसेप्टिक है एनलगैसिक है ट्रांकुलाइजर है इट इज एंटीबायोटिक विच ऑफ द फ्लोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डी एन ए की डी एन ए में कौन सा बेस नहीं होगा इनमें से एडीनाइन यूरासिल साइटोसिन ग्वानिन ठीक है तो जो डीएनए uh, होता है उनमें बेसिस होते हैं एडिनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन जो नहीं होगा वो होगा यूरोसिल ठीक है और यूरोसिल होता है आर एन ए में तो तो इसलिए राइट आंसर होगा हमारा यूरोसिल बी कैंसर सेल्स आर मोर इजिली डैमेज बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज दीज आर डिफरेंट होंगे स्ट्रक्चर में नॉन डिवाइडिंग होंगे स्टार्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन दीज आर अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रोप प्लांट्स आर एनरिच्ड विद सर्टेन न्यूट्रिएंट्स उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन ब्रीडिंग बायो फोर्टिफिकेशन बायो रेमेडिएशन इट इज बायो फोर्टिफिकेशन द टर्म टोटिपोटेंसी रिपीटेड क्वेश्चन है टोटिपिटेंसी क्या होती है एबिलिटी फिर कैपेसिटीट होल प्लान बट टू जनरेट होलिनेट सेबिलिटी सिंगल सेल टू जनरेट होल प्लांट इट इज नॉन एज टॉटिपोटेंसीड ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर्ड की डारविन पॉटन हारवे हर गोविंद खुराना इट इज विलियम हारवे एक्सक्रोमोजोम आर अ लिटल मोजोम जो एक्स क्रोमोजोम होते हैं क्या वो वाईक्रोमोजोम से छोटे होंगे लंबे होंगे ज्यादा एक्टिव होंगे या फिर ज्यादा ब्राइट होंगे सो दीज आर लॉन्गर दैन वाईक्रोमोजोम प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सी फोर साइकिल ऑफ फोटोसिंथिस इज आर यू वी पी पी ई पी फोस्फेनोल पायरोट ऑगजालिक एसिड नन ऑफ द अवर सो दिज आर फोस्फेनोल पायरोट पैफ्ट

Which biomolecule is known as respiratory, respiratory pigment, respiratory pigment Pyruvic acid, hemoglobin, RUBP, carbohydrate it is hemoglobin. What is a cell called protein formed in response to infection with the most animal virus? कॉल्ड ठीक है अगर वायरस से इन्फेक्शन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी है वो किस तरह की प्रोटीन है वो बनाएगी एंटीजन एंटीबॉडी हिस्टेमाइन इंटरफिर इट इज इंटरफिर पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड स्नेक जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो मॉडिफाइड मैक्सिलरी ग्लैंड होंगी सब पैरोटेड या फिर नन ऑफ दर्ब सो दीज आर पैरोटेड ग्लैंड्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइल एंड मोर देन वन क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल यूकैरियोट्स दोनों या फिर बैक्टीरियल सो दीज आर इन यू कौन सा कनेक्टिव टिशू है बोन ब्लड कार्टिलेज ऑल ऑफ द वक्त सभी कनेक्टिव टिशू हैं ऑल ऑफ द वक्त एलिमेंट्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड में कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस हाउ मैनी माइटोटिक डिविजन असल गो टू फॉर्म टू फिफ्टी सिक्स सेल टू फिफ्टी सेल्स सिक्स सेल्स जो हैं वो कितनी माइटोटिक डिविजन के बाद बनेगी एट मैच द फॉलोइंग अगेन आपको मैच uh, करना है कॉलम इस पेपर में आपको टोटल तीन कॉलम्स आए थे हेड में होगा जेनेटिक मटीरियल ठीक है हेड में होगा जेनेटिक मटीरियल ठीक है मिडल पीच एनर्जी एक्रोजोम में होते हैं एंजाइम और टेल uh, प्रोवाइड करती है मोर्टिलिटी ठीक है तो राइट right आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल आई वी एफ ई टी एच टी एफ जी आई एफ टी आई यू डी इट इज आई ओ डी इंट्रा यूटरिन डिवाइसिस ओके गाइस सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो हमने इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक like करना अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अपने 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 फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर